कोटा जिले के विज्ञान नगर इलाके में कोचिंग संस्थान से छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली। इस मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि छात्रा के एक साथी को इंदौर से डिटेन किया है और पूछताछ में साथी ने बताया कि छात्रा अपने साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी। इसके चलते उसने अपहरण की बनावटी कहानी बनाकर पिता को भेजी और 30 लाख की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बालिका मंगलवार तक इंदौर में थी और पुलिस की टीम पहुंचने के बाद वो वहां से बाहर चली गई। पुलिस की टीम बालिका के एक साथी को साथ में रखकर उसकी तलाशी कर रही है। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली कि वहां के जो एक रघुवीर जी है उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और 18 तारीख को शाम को उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फ़ोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी और सभी दिनांक 18 को शाम को हमें जो शिवपुरी पुलिस विभाग से हमें सूचना मिली कि वहाँ के जो एक खबर राजस्थान के अलवर से है जहां तिजावा कस्बे में भाजपा भूपेंद्र यादव ने चुनावी कार्यालय फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान तिजावा विधायक बालकनाथ और पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि जनता इस बात से बेहद खुश है कि अब जिले में नेता ऐसा आया है जो जिले के अधिकारों और विकास के लिए लड़ेगा। वहीं भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र दिया। अलवर से महावीर की